अमेरिका में घटा कपास उत्पादन का अनुमान। दरअसल अमेरिकी कपास उत्पादन में कमी और वैश्विक खपत में बढ़ोतरी के साथ 2023-24 सीजन में अंतिम स्टॉक में कमी के चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 2023-24 अमेरिकी कपास सीजन के लिए उत्पादन अब घटकर 12.1 मिलियन गांठ रह गया है, जो पिछले महीने के पूर्वानुमान से 3,34,000 गांठ कम है। साथ ही क्षेत्र उपज और उत्पादन का अंतिम अनुमान मई 2024 की फसल उत्पादन रिपोर्ट में उपलब्ध होगा। वहीं देखा जाए तो अमेरिकी कपास के लिए अंतिम स्टॉक 2.5 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले महीने से 3 लाख गांठ कम है और 2020-21 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं दूसरी ओर वैश्विक उपभोग की अगर बात की जाए तो वैश्विक खपत में लगभग 5 लाख गांठ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें चीन और भारत के खपत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं विश्व व्यापार में लगभग 4 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य रूप से चीन के द्वारा किया गया आयात शामिल है। वहीं निर्यात की बात की जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के लिए निर्यात अधिक होने का अनुमान है, जिसके चलते बाजारों में तेजी बन सकती है। दूसरी ओर विश्व स्तर पर अंतिम स्टॉक में मामूली कमी देखी गई है, जो 3,53,000 गांठ से घटकर 83.3 मिलियन हो गया है, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक स्तर पर कपास बाजार तेज हो सकता है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि अमेरिकी उत्पादन में कमी और वैश्विक मांग बढ़ने से और व्यापार गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के चलते जो सीमित स्टॉक देखने को मिल रहा है, उससे काफी अनिश्चितताएं पैदा होती हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में कपास के बाजार में तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।